नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन के पर्व पर लाडली बहनों को उपहार स्वरूप 250 रुपए की राशि देने का ऐलान किया था, जो लाडली बहनों के खातों में डाल दी गई। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर पहले कांग्रेस ने बहनों को ठगने का आरोप लगाया था, वहीं अब बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य रघुनंदन शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया डॉक्टर मोहन यादव उदारवादी हैं, लेकिन उनको एक बार विचार करना चाहिए। जो बहनें रक्षाबंधन पर्व मानती ही नहीं, उन बहनों को 250 रुपए देने का क्या औचित्य है? मोहन सरकार को एक बार पुनः विचार कर यह राशि प्रदान करना चाहिए थी। जो बहनें रक्षाबंधन का पर्व मानती हैं, तो उनके साथ सही इंसाफ होगा। क्योंकि सरकार अत्यंत उदार मन से काम करती है और विशेष तौर से महिलाओं के प्रति तो उनकी उदारता बहुत अधिक है। मोहन यादव ने इस उदारता को और बढ़ाया है। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अधिक संवेदनशील हैं और उस संवेदनशीलता के कारण ही उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं का जो विशेष खर्च होता है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, और रक्षाबंधन के त्यौहार के कारण उन्होंने ये राशि की वृद्धि की है। इसको अन्य किसी भी ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि जो रक्षाबंधन त्यौहार में विश्वास करते हैं, जो रक्षाबंधन त्यौहार मनाते हैं, जो इस हिंदू त्यौहार को स्वीकार करते हैं, राशि का लाभ उनको ही मिलना चाहिए। जो इस त्यौहार को स्वीकार ही नहीं करते, जो इस त्यौहार को मानते नहीं, जो ये त्यौहार का उपयोग अपने भाईचारे में करते नहीं हैं, अपने रिश्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए इस बढ़ी हुई राशि का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार को मेरा आग्रह है, सुझाव है कि ये विचार करना चाहिए और जो उस रक्षाबंधन के पर्व को मानते हैं उन बहनों को ये राशि दी जानी चाहिए। जो इस पर्व को नहीं मानते उन बहनों को इससे मुक्त रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जिनको लाभ मिलता है उनके साथ न्याय हो सके। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।